आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भाजपा नेताओं की मांग पर बोली सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के विभाजन का सवाल ही नहीं, अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन, पीएम बनने के बाद छठवीं यात्रा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने कसा शिवसेना पर तंज, का मुंह में राम बगल में राहुल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 24 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमार स्वामी ने कहा, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। कोलकाता में गेमिंग ऐप से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, मुख्य आरोपी के करीबी पर ईडी ने मारा छापा। मध्य प्रदेश में फिर से इंसानियत हुई, शर्मसार नहीं मिली एम्बुलेंस, गोद में लेकर बस से लाना पड़ा 4 साल की बच्ची का शव। बिहार नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए सरकार ने बनाई डेडिकेटेड कमीशन। महाराष्ट्र एटीएस को मिली बड़ी सफलता, रायगढ़ जिले से पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। प्रशांत किशोर का दावा, एनडीए में फिर शामिल होंगे नीतीश, बोले मुख्यमंत्री लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। ममता बोली, टाटा को मैंने नहीं माकपा ने बाहर किया, नैनो कार प्रोजेक्ट के राज्य से बाहर जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। राशन कार्ड पर जीसस और देवी लक्ष्मी की फोटो, कर्नाटक मामला, बीजेपी का आरोप, ईसाई धर्म थोपने की साजिश। बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़ी के नदी में तब्दील, कई इलाकों में लगा जाम, अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट। मोदी बोले, गुजरातियों को गाली देने वाले को सबक सिखाना जरूरी, जूनागढ़ में कुछ लोगों को गुजरात की सफलता रास नहीं आती। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा शरद पवार, फडणवीस और मुझे साथ देकर कुछ लोगों की उड़ सकती है रातों की नींदें। मिट्टी का टीला ढहने से 3 बच्चों की मौत, एटा में खेलते खेलते मिट्टी की सुरंग में घुसे मलबे के नीचे दबने से गई जान। सपा पार्षद का पति और देवर भेड़ चोरी में अरेस्ट, हरियाणा के यमुनानगर की सीआईए की टीम ने सहारनपुर पहुंचकर गिरफ्तार किया। मेरठ में बीच सड़क अंधाधुंध फायरिंग, पति पत्नी समेत 3 को गोली मारी, हालत गंभीर, नशे में था आरोपी। महाराजगंज में बैंक में लगी आग, सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से नगर सहकारी बैंक में लगी थी आग, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू।
यूपी में 51 लाख ग्रामीण परिवार मनाएंगे जल दिवाली। जल मिशन के तहत दी गई पहल, 5 करोड़ दिए जलाए जाएंगे। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, आगामी निकाय चुनाव में नहीं करेंगे गठबंधन, का अकेले लड़ेगी सपा। मथुरा जेल में बंदी बना रहे गणेश लक्ष्मी प्रतिमा, जवाहर बाग कांड के आरोपी की निगरानी, आत्मनिर्भर बन रही बंदी। झांसी में पिता पुत्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, 15 साल पहले हुए गैंगरेप में फर्जी डॉक्यूमेंट, खुद को नाबालिग साबित कर लिया था। कन्नौज में देर रात किसान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात, एक को बीड़ी दबोचा, पीटकर पुलिस को सौंपा। सीतापुर में 3 अभियुक्तों की करोड़ों की संपत्ति जब्त, गौकशी के मामले में शामिल थे 3 अभियुक्त, आवासीय मकान, दुकानों और भूमि जब्त। डेंगू को लेकर हरदोई प्रशासन अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग गांव गांव करा रहा छिड़काव, सफाई के दिए निर्देश, हर रोज 2 मरीज मिल रहे हैं। एलएलएम के छात्र ने लगाई फांसी, बीएचयू के अंबेडकर हॉस्टल में दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट, बिहार का रहने वाला था। रायबरेली में 60,000 बच्चों ने छोड़ी एनएटी की परीक्षाओं, में मार्कशीट स्कैन नहीं होने से अपलोड नहीं हो सकी संख्या। गोरखपुर में स्कूल ग्राउंड में भरे पानी में डूबकर मासूम की मौत, 3 साल की बच्ची को पहले दिन स्कूल छोड़कर आए थे पिता। मेरठ में 60 फीट से छात्रा ने लगाई छलांग, कॉलेज की 4थी मंजिल से कूदी, मोबाइल पर लाइब्रेरी में किसी से बात की थी। सड़क हादसे में टीचर और सिपाही की मौत, वाराणसी में 2 अलग अलग जगह एक्सीडेंट में 2 लोगों की गई जान। कानपुर देहात में कोटेदार पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, डीएम से ग्रामीणों ने की थी कोटेदार की शिकायत, पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा। सहारनपुर में किसान ने तमंचे से खुद को उड़ाया, बेटी की मौत के बाद सदमे में था, खेत में मिला शव। सुल्तानपुर में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, लड़की को 2 लोग घसीट कर खेत में ले गए, नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप। सहारनपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया, एसएसपी ने बैठाई जांच। ग्रेटर नोएडा में जेवर समेत 3 लाख की चोरी, घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे बदमाश, बाहर लगे सीसीटीवी में कैमरे में वारदात हुई। सुल्तानपुर में ट्रेलर ने मैजिक लोडर में मारी टक्कर, ड्राइवर की दर्दनाक मौत, साथी घायल, आधार कार्ड से हुई पहचान। रायबरेली में 50 किलो अवैध बारूद बरामद, 2 गिरफ्तार, कुछ दिन पहले विस्फोट में हुई युवक की मौत, दीपाली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आगरा के धौरा में बमों की खेत पर कार्रवाई, देर रात पुलिस प्रशासन ने गांव में मारा छापा, आतिशबाजी के 4 गोदाम सील। अम्बेडकर नगर में बनाए गए 26 हॉटस्पॉट, दीपावली पर्व पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, दुर्घटना पर हो तत्काल एम्बुलेंस पहुंचेगी।
गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर अपराधी महेश चंद्र यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। गोंडा में स्वास्थ्य महकमे में जिम्मेदारों ने शगुन किट में किया खेल, शगुन किट घोटाले मामले में कई लोग पाए गए दोषी। नोएडा में चलती कार में लगी आग, कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। उन्नाव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला मौलाना गिरफ्तार, मौलाना के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मैनपुरी पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध ढंग से संग्रह किए गए पटाखे, लाखों रुपए कीमत विस्फोटक हुआ बरामद। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की विचारधारा सनातन धर्म का विरोध करना। हल्द्वानी बस अड्डे पर हुए विवाद, गुरुग्राम बस अड्डे में नहीं घुसने दी उत्तराखंड की बसें। सम्मान में जुड़े हाथ देख आधे घंटे तक सीढ़ी पर खड़े रहे भगत सिंह कोश्यारी, एक एक कर सभी का पूछा कुशल छेम। भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र की अच्छाइयों को उत्तराखंड लाने की कोशिश, हर क्षेत्र को बनाऊंगा बेहतर। उत्तराखंड के दुर्घटना में घायल युवक की मौत, मार्ग पर जाम लगाकर किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड में नहीं थम रहा डेंगू, 37 और आए चपेट में, देहरादून व हरिद्वार में 9-9 मामले सामने आए। उत्तराखंड के 5 जिलों में हो सकती हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार। उत्तराखंड के डोईवाला में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के भाई के घर डकैती, 4 आरोपित गिरफ्तार, 5 फरार। उत्तराखंड के चंपावत में रिश्ते का खून, खेत में घुस गई थी बकरियां, भड़के भतीजी ने धारदार हथियार में हमलावर चाची को मार डाला। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बाउंड्री विवाद में साधु ने फावड़े से वार कर दूसरे साधु की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के विधानसभा के और 110 कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश पर हाईकोर्ट नैनीताल ने लगाई रोक। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड के चंपा हॉस्टल में जबरन काटे छात्रों के बाल, फिर डंडे से बुरी तरह पीटा, वार्डन की बर्बरता देख भागा छात्र। देहरादून में पूर्व एआरटीओ के खिलाफ चार्जशीट मिली, अनुमति चालान की राशि के 29 लाख रुपए की गबन। उत्तराखंड के दंपति को एनआईए ने किया तलब, टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला, दंपति के खाते में आया विदेश से पैसा। इंडोनेशिया की मस्जिद में आग, देखते देखते ढह गया जकार्ता इस्लामिक सेंटर का विशाल डोम।
फ्रांस में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोग सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे 11 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, 8 पुलिस अफसर घायल। तो रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट, कई हिस्सों में बंद रहेगी आपूर्ति। बाइडेन ने अमेरिका में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रूस पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है जिम्मेदार। नहीं मिली चिकन बिरयानी तो नशे में धुत शख्स ने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में लगा दिया आग, न्यूयॉर्क पुलिस ने धर दबोचा। चीन ने भारत पाकिस्तान अमेरिका के प्रस्ताव पर लगाया वीटो, पाकिस्तानी आतंकी हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में लगाया अड़ंगा। ब्रिटिश होम मिनिस्टर का इस्तीफा, 43 दिन ही पद पर रही भारतीय मूल की सुएला वेवरमीन, रिलीज ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ी। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लेखिका के खिलाफ ट्रंप ने दी गवाही, 26 साल पुराना है मामला। माली ने फ्रांस पर लगाया जासूसी और आक्रामक कार्रवाई का आरोप, दोनों देशों के बीच हुई तीखी बहस। चीन में फिर से जिनपिंग को सत्ता सौंपने की तैयारी, कठोर जीरो कोविड नीति को लेकर लोगों में नाराजगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, देश में बढ़ा रोजगार और वाहनों की बिक्री में आई तेजी, मांग तेजी से बढ़ने के संकेत मिले। टीवीएस ने मोटोवर्स में रेडर 125 की लॉन्च, स्मार्टफोन कनेक्ट कर वॉइस में दे सकेंगे कमांड, पेट्रोल खत्म होने से पहले मिलेगा नोटिफिकेशन। स्पाइसजेट ने अपने पायलट्स की सैलरी बढ़ाई, दिवाली से पहले मंथली सैलरी में 7 लाख का हाइक दिया। अगस्त में जियो ने 32 लाख नए यूजर जोड़े, 41 करोड़ हुए यूजर्स की संख्या, वायरलाइन सर्विस में भी जियो नंबर 1 बना रहा। रॉयल स्लाइस की पहली ईवी स्पेक्टर रिवील, 4.5 सेकंड में 0-100 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार पकड़ेगी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 83 के पार पहुंचा, 2 साल में 10% से ज्यादा की गिरावट। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदी सबसे महंगी प्रॉपर्टी, 1356 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, फ्लेक्स ईंधन वाहनों में कोई कीमतों पर मुहैया कराए कंपनियां, मिलेगा समर्थन। एमएसएमई को 3 साल तक मिलेगी गैर कर लाभ की सुविधा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया फैसला। ट्विटर डील को लेकर एलन मस्क ने दिया चौंकाने वाला बयान, अधिक पैसे दे रहा हूं लेकिन जबरदस्त है ये सौदा। भारत पाकिस्तान मैच पर छाए बादल, 23 अक्टूबर को मेलबर्न में बारिश की आशंका, पहली बार धूल सकता हाई वोल्टेज मुकाबला। रवि शास्त्री ने चुनी टॉप 4 टीमें जो पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में, शास्त्री ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीकी को किया नजरअंदाज।
इंग्लैंड की टीम के लिए करारा झटका, चोट के कारण तेज गेंदबाज रीस टोपली टी20 विश्व कप से बाहर, मिल्स टीम में शामिल। पीसीबी ने बुलाई एसीसी की आपात बैठक, कहा क्रिकेट समुदाय को विभाजित कर सकता है जय शाह का बयान। जावेद मियांदाद और विवियन रिचर्ड्स के बीच हुई साइकिल रेस, वहां मौजूद फैंस के लिए बना एक यादगार पल। वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप में पहली जीत, जिम्बाब्वे को 31 रन से हराए, अल्जारी जोसेफ ने झटके 4 विकेट। टी20 इतिहास में 60,000 रन बने, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में विकेट से जीता आयरलैंड, सुपर 12 की उम्मीदें कायम। वेस्टइंडीज का अगले साल होने वाला पाकिस्तान दौरा हुआ स्थगित, पीसीबी ने किया ऐलान। पाकिस्तान के स्पीड गन हारिस उफ ने ढाए कर तेज तर्राज गेंद पर पलक झपकते बल्लेबाजी का उखाड़ी स्टंप। विंडीज बल्लेबाज का 104 मीटर लंबा छक्का गया स्टेडियम के बाहर, देखकर नॉन स्ट्राइकर के उड़े होश। जानवी कपूर ने खुशी को दी डेटिंग एडवाइस, नहीं चाहती बहन कभी किसी एक्टर को करे डेट, कहा जाने अपनी वैल्यू। दिशा पाटनी का लेटेस्ट वीडियो वायरल, बॉक्सिंग करती नजर आई, वीडियो फैंस ने देखने कहा टाइगर श्रॉफ से बदला लेने की तैयारी। यामी गौतम ने की नेपोटिज्म पर बात, बोली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। दिवाली पार्टी में पहुंचे सितारे, हाथ थामे पहुंचे विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, शहनाज गिल, नोरा फतेही भी आई नजर। भेड़िया का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ, वरुण धवन बनी भेड़िया, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म। वरुण ने इंडस्ट्री में पूरी के 10 साल, पहली बार अटेम्प्ट फीचर कॉमेडी जॉनर, डायरेक्टर ने वरुण को जबरिया कॉमेडी न करने को दी थी। शालीन चोपड़ा ने साजिद खान के खिलाफ दर्ज की शिकायत, केंद्रीय मंत्री को लेटर लिख बिग बॉस को बंद करने की मांग की। दीवा योगा के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, वर्कआउट लुक में दिखी शानदार, फैंस बोले फिटनेस क्वीन। वैशाली ठक्कर का थ्रोबैक वीडियो, मौत से 4 हफ्ते पहले वैशाली ने फैंस से कहा था जिंदगी बहुत कीमती है, इसके साथ कभी खिलवाड़ न करें। राम गोपाल वर्मा ने की कांतारा की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा फिल्म को देखकर बड़े फिल्म मेकर्स की उड़ जाएगी नींद। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।